मैं लक्ष्मी छंदा आज एक मॉक सेक्शन करने जा रही हूँ। मेरा जो डीसी प्रोजेक्ट फेस टू का एक्टिविटी फोर है, आज मैं बच्चों को नेचर यानी प्राकृतिक बारे में समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हैं। आज मैं आपको प्रकृति यानी नेचर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। हमारी आसपास जो चीज होती है हम उसे प्रकृति कहते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, पहाड़, सूरज, नदी और अन्य चीजें। तो बच्चों, आज हम प्रकृति में कण कण सी चीज होती है हमारे आसपास, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पहले बच्चों सूरज के बारे में जानेंगे। अच्छा, सूरज की क्या रंग होती है? ऑरेंज, ऑरेंज कलर होती है, ठीक है। अच्छा बच्चों, सूरज से हमें क्या मिलती है आप जानते हो? सूरज से हमें रोशनी मिलती है और जीने की आस मिलती है। सूरज से हमें विटामिन डी भी मिलती है, ठीक है बच्चों। अगर सूरज ना होती तो सब कुछ अंधेरा दिखा देती है, ठीक है। हर तरह अंधर होती है, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। अगर सूरज से सारे पेड़ पौधे के जीने की आस मिलती है, ठीक है बच्चों। सूरज सारे जीव जगत की जीने की आस है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो देख रही हो ना, ये क्या है? पेड़। हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होती है। पेड़ से हमें क्या मिलती है बच्चों? ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। और हमें पेड़ से फूल, फल और पेड़ से कागज, लकड़ी, बहुत सारे चीज मिलती है। और एक बड़ी बात है बच्चों, अगर पेड़ नहीं होती तो बारिश भी कभी नहीं होती। अगर बारिश नहीं होती तो हमारी प्रकृति नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें पेड़ का जत्न लेना चाहिए, उसको बचाना है, उसके एक बच्चों की तरह हम को संभालना चाहिए और हमें शाम को पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है बच्चों? पौधे, ये कितने सुंदर है ना। हमारे आसपास बहुत सारे पौधे होती है, अलग अलग कलर की बहुत सारे फूल हमें मिलती है, ठीक है। हमें बहुत आनंदित होते हैं ये फूल देखकर। इस फूल की महक प्रकृति को बहुत आनंदित करती है ना बच्चों। और उसके बाद क्या है? ये है माउंटेन, पहाड़ है। अच्छा, पहाड़ किस किसने देखा है? वो सभी देखा है, ठीक है। पर्वत कहाँ होती है बच्चों, आप लोग जानते हो? पर्वत जंगल में होती है और नदी के पास होती है, ठीक है। पर्वत बड़ी और ऊंची दिखता है। ये पर्वत ना होती तो हमारी प्रकृति में जो जीव जगत है वो सब कहाँ रहते? इस पहाड़ में
जंगली जानवर सब रहते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को प्रकृति के बारे में समझाया। आज के लिए इतना ही था बच्चों, फिर से हमें कल मिलते हैं। ठीक है, सबको बाय, थैंक यू बच्चों।